नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे काढ़े की जो होम्योपैथी तो नहीं है लेकिन बहुत ही असरदार है पेट की चर्बी कम करने के लिए। हमने देखा है अक्सर लोग बहुत से प्रयत्न करते हैं, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाने के पहले नींबू का पानी ना भूले बिल्कुल रोज लेते हैं और कई लोग तो इसमें दो दो चम्मच शहद मिला के लेते हैं, लेकिन फिर भी इनकी पेट की चर्बी जो है वो कम नहीं होती। तो आज मैं इसमें ही थोड़ा सा ट्विक करके बताऊंगा, इसमें ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके बताऊंगा एक ऐसा नुस्खा जो आपके पेट के आसपास की चर्बी को कम करने में काफी मददगार साबित होंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पेट की चर्बी से लगभग हर इंसान परेशान है। इतनी वॉकिंग करने के बाद हम जैसे लोग जो 18-18 घंटे बैठे रहते हैं चेयर पे, पेशेंट्स को देखते हैं, बहुत ज्यादा हमारा फिजिकल वर्कआउट नहीं है और ज्यादातर लोगों का डेस्क वर्क ही है, बेंच पे ही बैठना पड़ता है, चेयर पे ही बैठे रहना पड़ता है। तो ऐसे में एक जगह बैठे रहने से पेट के ऊपर सबसे पहले चर्बी जमती है। बाकी शरीर के हिस्से तो दुबले पतले से दिखते हैं लेकिन पेट के ऊपर चर्बी जमा हो जाती है। ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करूंगा और अनहेल्दी डाइट के हैबिट्स भी फॉलो करूंगा और फिर भी मेरे पेट की चर्बी या मेरे शरीर के ऊपर की जो चर्बी है वो कम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि आपको आपकी कैलोरिक इनटेक को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप नेगेटिव शिफ्ट क्रिएट नहीं करोगे आपके कैलोरिक इनटेक में, कैलोरिक यूटिलाइजेशन में, तब तक आपकी चर्बी कम होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो दोस्तों जैसा मैं बता रहा था, आपको एक ऐसा काढ़ा बताने वाला हूँ जो पेट की चर्बी कम करता है। मैंने देखा है कई लोग नींबू के पानी के साथ में शहद मिला के ले लेते हैं, तो शहद मिला के नहीं लेना है। शहद के अंदर कैलोरीज होती है और शहद से ऐसा कोई फायदा भी नहीं होता है जिससे कि चर्बी बर्न हो। नींबू जो होता है वो डिटॉक्स करता है, वो काफी हेल्पफुल हो सकता है पेट की चर्बी कम करने के लिए। लेकिन नींबू पानी के साथ में आप एक चीज और कर सकते हैं, वो है आप लीजिए कैरम सीड या अजवाइन जिसे हम कहते हैं। अजवाइन एक चम्मच आप रात भर भिगो के रखिए और रात भर भिगोने के बाद में सुबह जब आप उठते हो तो इसे थोड़ा सा उबाल लीजिए। उबाल लेने के बाद में इसको छान लीजिए, छान के जो पानी आता है उसको कलेक्ट कर लीजिए। उसके अंदर अगर आप आधा नींबू निचोड़ कर डालेंगे और ये अगर आप तो आपके शरीर के अंदर डिटॉक्स भी होगा और साथ ही साथ आपके जो पेट के अराउंड जो चर्बी है वो भी कम करने में ये फॉर्मूला काफी मददगार साबित होता है। आप लगातार 1-1.5 महीने तक अगर आप लेंगे तो आपको 1 से 1.5 किलो वजन आपका कम होता हुआ देखने को मिलेगा और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, दूसरी बात भी मेरी ख्याल रखना कि वॉकिंग करने के बाद में आप अगर सोच रहे हो कि कुछ मैं समोसा खा लूं या नाश्ता कर लूं जिसमें तला हुआ या हैवी डाइट कर लूं, तो फिर आपको कोई फायदा किसी भी चीज से नहीं हो सकता। आपको वहां पे भी कंट्रोल करना जरूरी है, आपको हेल्दी हैबिट्स अपनाना है। आप ये काढ़ा जरूर यूज कीजिए और आपको क्या फर्क पड़ा, आपको कितना फायदा हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैरम सीड्स के अंदर होता है थायमोल जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट घटक होता है हमारे बॉडी मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ा देता है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है जिससे कि बॉडी की मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है और इसी वजह से जो एनर्जी का इफिशियंटली यूटिलाइजेशन होना चाहिए होता है वो होता है और पेट के अराउंड की चर्बी कम होती हुई हमें देखने को मिलती है। बहुत ही कारगर तरीका, आप जरूर आजमाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद जय भारत, बाय बाय।